फ़ोटो को लाइट रूम में ओपन करना है, लाइट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे हाईलाइट को कम करना है और शेडो को प्लस कर देना है, इंक्रीज कर देना है और नीचे जाना है, ब्लैक है जो ब्लैक को भी थोड़ा सा डाउन कर देना है। इसके बाद कलर में क्लिक कर देना है, फिर ऊपर साइड मिक्स में क्लिक करना है और सेकेंड नंबर का जो कलर है सेकेंड नंबर वाला इसमें क्लिक कर देना है और इसको नीचे साइड वाले प्लस कर देना है, इसको माइनस कर देना जिससे वाइट फोटो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों रेड में जो कपड़ों का कलर है इफेक्टेड करेगा, इसलिए इसको अपने हिसाब से कर लेना है, जो भी आपका कलर हो कपड़ों का जो मॉडल है दोस्तों उस हिसाब से करना, बाकी सभी को माइनस कर देना है। बाकी आपको बैकग्राउंड इफेक्ट करेगा दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से वाइट हो जाएगी आपकी फ़ोटो एकदम, देखिए कैसे किस तरह की पहले थी वो कैसी। स्नैपशीट में फोटो को ओपन कर लेना है, टूल्स में जाना है और पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देना है, इसे स्मूथ करेंगे दोस्तों। पोर्ट्रेट पे क्लिक करके दोस्तों फर्स्ट वाले को माइनस कर देना है और सेकंड वाले को हाफ में कर देना है, बीच में दोस्तों सेंटर 50% और नीचे वालों को दोस्तों आई से जो आई सेफेक्टेड है 50% के आसपास छोड़ देना है आपको। इतना होने के बाद दोस्तों आपको सिलेक्टिव कलर में जाना है टूल्स पर जाने के बाद, और दोस्तों जहाँ पर हमारी फोटो में आपकी फोटो में ब्लैक हिस्सा दोस्तों वहाँ सेलेक्ट करके कुछ इस तरह से और फिंगर की मदद से इसको छोटा करेंगे कुछ इस तरह से, देखिए दोस्तों ऐसे हो जाएगा। इस बार सिलेक्ट दोस्तों उसको वाइट कर लेना, आप देखिए सिचुएशन ऊपर नीचे करके फिंगर की मदद से और माइनस प्रेस कर लेना ताकि आपकी फोटो अच्छी दिखने लगे, जैसे आपकी अच्छी दिखने लगती है वहाँ पे आपको छोड़ देना है। तो बस इतना ही इस वीडियो में, राइट पे क्लिक कर देना दोस्तों नीचे के साइड में और इसको देखना, पहले ऐसे फोटो दिख रही थी भी ऐसे हो चुकी है। तो थैंक यू, फोटो को आफ्टर फोकस ऐप में ओपन कर लिया दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड जो कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं इस फर्स्ट वाले में सेलेक्ट करके आपको इस तरह से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है पूरा जो मॉडल का हिस्सा दोस्तों, और पीछे का बैकग्राउंड छोड़ देना है। तो इतना काम कर लेना है आपको। थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, जो बैकग्राउंड का हिस्सा दोस्तों उसको ब्लर करना है, उसको अनसेलेक्टेड कर देंगे दोस्तों इस बैकग्राउंड वाले हिस्से से। दोस्तों आप देखिए ऐसे कुछ इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको ऐसा करने के बाद दोस्तों उसको जो हिस्सा छूट गया है दोस्तों इसको हाई ब्लर करेंगे दोस्तों, अभी आपको करके दिखाएंगे। फिर से दोस्तों कोई हिस्सा छूट गया है तो आपको सेलेक्ट कर लेना ऊपर वाले हिस्से में जाके, जो मॉडल है दोस्तों उसका कोई हिस्सा छूट रहा है तो आपको ऐसे एकदम बहुत ही आराम से कर लेना है ताकि फ़ोटो जो है टोटल अच्छे से ब्लर हो और कहीं समझ में कुछ भी ना आए, फेक फोटो ना लगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं कर रहा हूँ अभी। अब आपको नेक्स्ट ऊपर साइड क्लिक करना है ताकि दोस्तों ब्लर कर सकें। दोस्तों आपको यहाँ ब्लर के ऑप्शन में जाना है दोस्तों, इसको फुल कर देना, आप जितना ब्लर करना चाहते हो उतना कर सकते हैं दोस्तों, और फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देना है दोस्तों। तो देखिए आप ब्लर हो चुका है बैकग्राउंड का हिस्सा, तो कुछ इस तरह से होगा दोस्तों। आप फुल बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हो, ऊपर सेव कर सकते हो और रिमूव बैकग्राउंड वाली फोटो सेव कर सकते हैं। थैंक यू।